अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू MSP जन व्लॉग। व्यूअर्स, मेरे चैनल पे जो भी न्यू है वो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोग तक पहुंचे। दोस्तों, सुबह छः बज रहे हैं, मैं सोचा है कबूतर खोलते हैं, और आज का मौसम भी बहुत बारिश होती है, आज भी वैसे ही दिखता है दोस्तों। हालात का मौसम हो चुका है, कुछ देर पहले तो बस बारिश ही बारिश भी हो रही थी। यह है अपना आइलैंड, अपने घर के पास तालाब है वो, ये कि दोस्तों भर चुका है सिर्फ एक ही बारिश में। चलिए अब कबूतर खोलते हैं। अपना भी घर का पटका है, और ये अपना इसको रोकते हैं पर गाड़ी पे कर रहा है वो, और ये अपना उमर है, छोटा सा पट्टा रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बताऊंगा अपना पट्टा भी, आज पट्टे को भी निकाल के बताऊंगा जो हाई फ्लायर का पट्टा है। और अब देखते हैं कबूतर की कंडीशन अच्छा है। और उधर सैनी के भी कबूतर खुल रहे हैं दोस्तों, आज लगता है रात में नहीं बंद करे ऐसे, चलिए कोई बात नहीं। अपने पास तो उतने अल्हम्दुलिल्लाह उड़ कर बैठ रहे कबूतर, अभी भी नए कबूतर नहीं है जो सैनी के पास बैठा। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह कबूतर तो उड़ चुके हैं, और कुछ दो कबूतर बैठे हुए अपने नीचे, ये देखिए जा रहे हैं कबूतर। इंशाल्लाह बताऊंगा कहाँ तक जाएंगे वो भी बताऊंगा। आज इन्हें लगेगा सिर्फ हड़ और आम हल्दी का पानी, जो भी इन लोग के कुंडे उंडे वजन हो गए वो पूरे खुल जाएंगे इंशाल्लाह। आज पानी लगेगा इन लोगों को, ताकि हम लोग को बच्चे लोग शाम में पानी भी नहीं रखे हैं, इस वजह से हमने भी उड़ा दिए कबूतर। और दाना वाना सब अब टेंट करेंगे, ताकि ओवर खिला रहे थे इस वजह से जो है सुना उड़े नहीं थे। इंशाल्लाह आज सुन लोगों को टेंट भी करेंगे और उड़ाएंगे भी, बताऊंगा भी शौक करा कर। ये देखिए दोस्तों अब जाएंगे, खेलते हुए जा रहा है कबूतर। दोस्तों सीढ़ी के बाद ऊपर कबूतर आ चुके हैं, ये देखिए दोस्तों सीढ़ी के बाद ऊपर कबूतर आ चुके हैं, जूम करके बताऊंगा। ये देखिए और, चलिए कोई बात नहीं, अपन तो अपना शौक करते हैं, किसी से क्या लेना देना है फिर ने तो। आएगा कबूतर ने आने की कर रहा है, पर बुलाते हैं कबूतर ताकि दूसरी जगह ना बैठे। ये देखिए दोस्तों कैसा उतर रहे कबूतर अपने, मैंने आवाज़ आवाज़ कुछ नहीं लगाई, पूरे आगे उतर गए दोस्तों जी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आगे उतर गए। इंशाल्लाह भी ऐसे उड़ेंगे। ये देखिए दोस्तों अपना ही है, मादी है, इसका बच्चा भी है, और अब शौक करा कर बताऊँगा इस बच्चे का भी। सबसे ज़्यादा उड़ने वाली कबूतरी अपने पास वो एक है, और ये एक अपना नर है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए दोस्तों आगे तो, चलिए दोस्तों आज शौक कराते हैं बच्चे का भी निकाल कर। और ये कबूतर रुके हुए हैं अपने, ये तो हमारे घर का
एक मादी थी, हमने एक भाई को दिए तो उन्होंने पट्ठा निकाल कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं, उस पट्ठे को भी जो है तना उड़ाएंगे थोड़े दिन बाद, क्योंकि ये सिर्फ जमीन नीचे घर था लेवल पे, वहाँ से उड़ता था, वहाँ पर बढ़ता था, इस वजह से अपन ने भी उसको उड़ा रहे तो सिर्फ नीचे उतरने की कर रहा है, इस वजह से हमने उसको रोक रखा है। अब एक 8 या 10 दिन रोकते हैं, फिर उसके बाद बताऊँगा। देखिए दोस्तों, इन दोनों का भी पेड़ बन चुका और ये अपना हैदराबादियों का भी पेड़ बन चुका, और अब अपना पट्ठा ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए दोस्तों, मारने लग रहा है मुझे तो, ये देखिए, ये अभी छोटा सा है, पता नहीं कौन सी नस्ल निकल रही है, रेड रेड पट्टे आ रहे हैं दोस्तों, हरे में निकल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, कैसा भी निकलता है देखते हैं अभी। चलिए दोस्तों, मेरे चैनल पे जो भी न्यू है वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अब फर्स्ट आने वाली वीडियो आप लोग तक पहुँचे मेरी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आपके भाई को इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।